नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क फंक्शन या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया हुआ है, जो कि इस प्रकार से है। ऑब्टेन द सेकेंड फोस्टर फॉर्म ऑफ द इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस इज इक्वल टू 4s into s² + 4 डिवाइडेड बाई s² + 1 into s² + 16। तो हम लोगों को इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन को LC नेटवर्क सिंथेसिस में फोस्टर सेकेंड फॉर्म से इस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन को रियलाइज करना होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने फोस्टर सेकेंड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, फिर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे या समझेंगे। तो यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोस्टर सेकेंड फॉर्म किसके लिए होता है, एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस के लिए होता है। लेकिन हम लोगों को इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे क्या दिया हुआ है, इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस। तो हम लोगों को इस इम्पीडेंस फंक्शन पे फोस्टर सेकेंड फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस को एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस में चेंज करना होगा। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस दिए हुए इम्पीडेंस फंक्शन जेड ऑफ एस के रेसिप्रोकल को लेना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s इज इक्वल टू लिख पाएंगे s² + 1 into s² + 16 डिवाइडेड बाई 4s into s² + 4। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस एडमिटेंस फंक्शन पर फोस्टर सेकेंड फॉर्म के सभी रूल को अप्लाई करके LC नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस पर फोस्टर सेकेंड फॉर्म के स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोगों को इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग फोस्टर सेकेंड फॉर्म के लिए स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे वाई ऑफ एस इज इक्वल टू b0 by s plus summation of i is equal to 1 to n 2 bi s upon s² + ω i² + h into s। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को जब हम लोग स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखेंगे, तो हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के टर्म को किस प्रकार से कितना लेना होगा इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए। तो अब हम लोगों को इसके लिए इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस को केयरफुली एनालिसिस करना होगा। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस के लिए इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के फर्स्ट टर्म b0 by s को लेना होगा कि नहीं। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस के डिनोमिनेटर पर देखना होगा कि कोई सिंगल एस टर्म है कि नहीं, जिसको हम लोग टेक्निकल शब्दों में क्या कहते हैं, पोल एट ओरिजिन। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन
वाई ऑफ एस के डिनोमिनेटर पर एक सिंगल एस है या पोल एट ओरिजिन प्रेजेंट है, जिस कारण से जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे तो हम लोगों को फर्स्ट टर्म वी जीरो बाई एस को लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे तो इसके लास्ट टर्म जो कि कितना है h इंटू s, उसको इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए लेना होगा कि नहीं। तो उसके लिए अब हम लोगों को इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिग्री को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s का न्यूमरेटर का डिग्री कितना है 4, जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं। जब हम लोग इस दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के न्यूमरेटर पर दिए हुए s के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो s का हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा 4, जो कि न्यूमरेटर का डिग्री कहलाएगा। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से डिनोमिनेटर के डिग्री को कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना मिलेगा 3। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा जब कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो जब हम लोग इस स्टैंडर्ड एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे तो हम लोगों को लास्ट टर्म h इंटू s को लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे तो इसके इंटरमीडिएट टर्म पर जो कि कितना है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n 2 bis upon s square plus omega i square पर i के वैल्यू को कितना लेना होगा। तो अब हम लोग देख पाएंगे कि इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि कितना है s स्क्वायर प्लस 4, जिस कारण से हम लोगों को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के इंटरमीडिएट टर्म पर i के वैल्यू को कितना लेना होगा 1। और जब हम लोग इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म पर i के वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर पर हम लोगों को कितना मिलेगा s स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 का स्क्वायर जब हम लोग डिनोमिनेटर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 1 का स्क्वायर हम लोगों को कितना मिलेगा 4 मिलेगा। और यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी किसी एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के डिनोमिनेटर पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टर्म दिया हो तो जब हम लोग फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर सर्किट को रियलाइज करेंगे तो उस सर्किट पर हम लोगों को इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के एक सर्किट को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि जब हम लोग इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे तो किस प्रकार से v0 by s को i के वैल्यू को ओमेगा i स्क्वायर के वैल्यू को और h इंटू s के वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। तो अब हम लोग आगे उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे y ऑफ s इज इक्वल टू v0 by s प्लस 2 b1s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू hs। अब हम लोग इस पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो लिख पाएंगे v0 by s प्लस b1 अपॉन
एस प्लस टू जे प्लस बी वन अपॉन एस माइनस टू जे प्लस एच इंटू एस। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बी जीरो या बी जीरो बाई एस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी जीरो बाई एस इज इक्वल टू, और हम लोगों को यहाँ पर एडमिटेंस फंक्शन वाई ऑफ एस को लिखना होगा। तो लिख पाएंगे एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, और डिनोमिनेटर पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। और हम लोगों को यहाँ पर सभी s के जगह क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों टर्म के डिनोमिनेटर पर कितना है s, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अब हम लोग इस साइड पर सभी s के जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो हम लोगों को न्यूमरेटर से यहाँ पर कितना मिलेगा, 16, और डिनोमिनेटर से कितना मिलेगा, 4 × 4। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को बी जीरो का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे एच या एच इंटू एस के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे एच इंटू एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। और सभी s के जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या पुट करना होगा, s इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब हम लोग s इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर से हम लोगों को s को कॉमन लेना होगा और डिनोमिनेटर से भी s को कॉमन लेना होगा। तो जब हम लोग न्यूमरेटर से s को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टू दी पावर 4, और न्यूमरेटर पर लिख पाएंगे 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर 1 प्लस 16 बाई एस स्क्वायर। अब हम लोग डिनोमिनेटर से भी s को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, s का क्यूब, और लिख पाएंगे 4 इंटू 1 प्लस 4 बाई एस स्क्वायर। और सभी s के जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या पुट करना होगा, इन्फिनाइट पुट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे एस टू दी पावर 4 से जब हम लोग एस टू दी पावर 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, s। और ये s और h इंटू एस का s दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हम लोग यहाँ इस साइड पर सभी s के जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनाइट। तो 1 अपॉन इन्फिनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 16 अपॉन इन्फिनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। और 4 अपॉन इन्फिनाइट का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोगों को यहाँ पर से h का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे बी वन के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो बी वन के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों टर्म से अब हम लोग यहाँ पर इस वाले टर्म का यूज़ करेंगे, जो कि कितना है, बी वन अपॉन एस प्लस टू जे। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे बी वन अपॉन एस प्लस टू जे, और इक्वल पे हम लोगों को लिखना होगा वाई ऑफ एस को। तो लिखेंगे न्यूमरेटर पर एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 16, और डिनोमिनेटर पर हम लोगों को लिखना होगा 4 इंटू एस को। और हम लोगों को इस एस स्क्वायर प्लस 4 को
ब्रेक करके या सिंप्लीफाई करके लिखना होगा, तो लिख पाएंगे s प्लस 2j इंटू एस माइनस 2j, और सभी s के जगह हम लोगों को यहाँ पर क्या पुट करना होगा, माइनस 2j, जिसके वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं, s प्लस 2j इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो s का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, माइनस 2j। अब हम लोग इस s के वैल्यू से s स्क्वायर के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो s स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों टर्म के डिनोमिनेटर पर कितना है, s प्लस 2j, जो कि क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हम लोग आगे b1 के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सभी s के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 2j और s स्क्वायर के जगह माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे b1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एस के जगह माइनस 2j, और जब इस s के जगह माइनस 2j रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4j। अब हम लोग आगे इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोगों को b1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 9/8 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे b0 के वैल्यू का, b1 के वैल्यू का और h के वैल्यू का यूज़ करके पोस्टर सेकेंड फॉर्म पर यूज़ होने वाले सर्किट एलिमेंट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे एलसी नेटवर्क सिंथेसिस पर फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर यूज होने वाले पहले सर्किट एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, तो लिखेंगे L0 इज इक्वल टू 1/B0, और B0 का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना है, 1। तो अब हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को L0 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी। अब हम लोग आगे एलसी नेटवर्क सिंथेसिस के फोस्टर सेकेंड फॉर्म पे यूज होने वाले लास्ट सर्किट एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे, तो लिखेंगे C इन्फिनिटी इज इक्वल टू H, और H का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना है, 1/4। तो हम लोगों को यहाँ पर सी इन्फिनिटी का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड। अब हम लोग यहाँ पर आगे फोस्टर सेकेंड फॉर्म के रियलाइजेशन पर यूज होने वाले इंटरमीडिएट टर्म के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे L1 का, और L1 का फार्मूला होता है 1/2B1, और B1 का वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है जो कि कितना है, 9/8। अब हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोगों को L1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 4/9, और इसका यूनिट क्या होगा, हेनरी। अब हम लोग यहाँ पर आगे कैपेसिटेंस C1 के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला लिखेंगे C1 इज इक्वल टू 2B1/ω1 का स्क्वायर। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो B1 का वैल्यू कितना है, 9/8, और ω1 का स्क्वायर हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ही दिया हुआ है जो कि कितना है, 4। और जब हम लोग इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, तो कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, 9/16, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड। अब हम लोगों को यहाँ पर आगे फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर जो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है उस पर यहाँ पर L0 के वैल्यू को,
L1 के वैल्यू को, C1 के वैल्यू को और C इन्फिनिटी के वैल्यू को पुट करना होगा। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई हम लोगों को इम्पीडेंस फंक्शन दिया हो तो किस प्रकार से उसको चेंज करके फोस्टर सेकेंड फॉर्म पे LC नेटवर्क का सिंथेसिस किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।